तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के यूनिट नंबर सेकंड को। इस यूनिट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस यूनिट से, और इन यूनिट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार देखे भी गए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ओवरऑल जो आपका ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, सारी चीज़ों को सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला आपका है सर्वेइंग। सर्वेइंग आखिर होता क्या है? वीडियो आपका हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन इस बार ऑफलाइन होने वाले हैं। तो अगर एक दो यूनिट या फिर तीन यूनिट आपका तैयार रहता है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वेइंग को। तो सर्वेइंग आखिर है क्या? द सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ साइंस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई मेजरिंग द होरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड सर्वेइंग। ओके, उसके बाद है आपका इसी के अंदर एक पॉइंट, वो है लेवलिंग। लेवलिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस टू डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई मेजरिंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड लेवलिंग। ओके, और उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन किस तरह से है? तो वो आपका दो तरह से क्लासिफाई होता है, एक होता है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी में आपका प्लेन सर्वेइंग होता है एंड ज्योडेटिक सर्वेइंग, एंड सेकेंडरी में नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट सर्वे एंड सिस्टम ऑफ सर्वे। उसके बाद एक ये निकलता है कि प्लेन सर्वेइंग और ज्योडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। ओके, तो इसमें देख सकते हैं प्लेन सर्वेइंग है, इसमें नंबर वन कह रहा है कि सर्वेइंग इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेगलेक्टेड नॉन एज प्लेन सर्वेइंग। एंड इसी के अंदर ज्योडेटिक के अंदर नंबर वन ये है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्वे सरफेस इन विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड नॉन एज ज्योडेटिक सर्वे। इसमें सेकेंड नंबर कह रहा है कि इट इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग द एरिया ऑफ लैंड और प्लॉट, एंड इसमें कह रहा है टू ऑप्टेन एक्यूरेट मैप ऑफ वाइड एरियाज एंड कंट्रोल फॉर ऑल सर्वेज। एंड इसमें थर्ड नंबर कह रहा है एरिया ऑफ द सर्वेज इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सर्वेज इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें फोर्थ नंबर कह रहा है लेस एक्यूरेसी होता है इसका, जिसका मोर एक्यूरेसी होता है। एंड फिफ्थ नंबर कह रहा है इट इज कंडक्टेड बाई द स्टेट एजेंसीज लाइक PWD, इग्निशन डिपार्टमेंट। एंड इसमें यह है कि ज्योडेटिक इज कंडक्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर यह आता है। इसके बाद आपका है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के अंदर आपका है फील्ड ऑफ सर्वे, नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। इसके अंदर आपके फोर टाइप होते हैं, एक होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, बी होता है आपका सिटी सर्वे, एंड सी होता है आपका कोडेस्ट्रोल सर्वे, एंड डी आपका होता है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है आपका, विच शोज द हिल एंड वैली और रिवर, यानी ये जो चट्टाने होते हैं, पहाड़े होते हैं, नदियाँ होती हैं, इनमें इनके सर्वे के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आपका है कैडेस्ट्रल सर्वे, इसमें क्या होता है विच शोज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, यानी बाउंड्री ऑफ द फील्ड को हाउसेस बनाने में जो सर्वे का यूज़ किया जाता है वो आपका कैडेस्ट्रल के अंदर आता है। उसके बाद सिटी सर्वे, जिसमें आपको सिटी का सर्वे होता है, जैसे पार्क का बनाना, रोड का बनना एंड वाटर सप्लाई किस तरह से है। और उसके बाद है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दीज आर द सर्वे आर कैरी आउट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, यानी वाटर की गहराई को देखने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आपका है पर्पस ऑफ सर्वे। पर्पस ऑफ सर्वे में नंबर ए है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे विच शोज द डिटेल ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड, रेलवे एक्सेट्रा, यानी इसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वे में। एंड मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, यूज़ फॉर मैप ऑफ मिलिट्री सर्वेइंग, यानी मैप को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इस सर्वे का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका है माइन सर्वे, विच शोज द सर्फेस ऑफ द अर्थ कोट कोल्ड कॉपर आयरन एक्सेट्रा। उसके बाद आपका थर्ड नंबर है इंस्ट्रूमेंट सर्वे, इसमें आपका चेन सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है, थियोडेटिक सर्वे होता है। चेन सर्वे क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्वे इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड, यानी इसमें केवल लीनियर मेजरमेंट ही होते हैं इस फील्ड में, या इन द फील्ड विथ द हेल्प ऑफ चेन और टैप एंड फाइंड आउट द स्मॉल एरिया। इसके थ्रू हम स्मॉल एरिया को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है आपका कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में क्या रहा है, कह रहा है कि द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन बाई
कंपास एंड देयर लेंथ बाई चैन इज नॉन एज कंपास सर्वे एंड कंपास सर्वेइंग इज यूज फॉर लार्ज एरिया ऑफ द सर्वे। उसके बाद सी नंबर आपका है थियोरेटिक सर्वे, तो कैलकुलेट द वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए इस सर्वे का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोर नंबर आपका है कि सिस्टम ऑफ सर्वे क्या होता है, इसमें आपका है ट्रेंगुलेशन सर्वे, इन दिस इन विच द होल एरिया इज डिवाइडेड इंटू सीरीज ऑफ ट्रेंगल एंड लेक ऑफ वन साइड ऑफ ट्रेंगल एंड ऑल इंडिकेट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज मेजर्ड, ओके। एंड उसके बाद आपका है ट्रेवर्स सर्वे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सर्वे इन विच द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द साइड्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टैप एंड एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उसके बाद आपका है चेन सर्वे, चेन सर्वे में क्या होता है कि चेन सर्वे इज़ द मोस्ट कॉमन सर्वे यूजअली डन इन ऑल द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान, यानी प्लान को बनाने के लिए काफ़ी बहुत सारे इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें चेन सर्वे का यूज़ किया जाता है। और नाम में ही इसके छुपा हुआ है चेन, यानी चेन कुछ रिंग टाइप का कुछ होता है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं खेतों की नापी। अगर देहात के लोग होंगे, गांव के लोग, तो वो जानते होंगे इस चीज़ को। इन दिस ओनली लीनियर मेजरमेंट टेकन इन द फील्ड एंड नो एंगुलर मेजरमेंट आर टू बी टेकन, यानी एंगुलर मेजरमेंट इनमें क्या होता है, नहीं होता है। चेन इज मेन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्टेंस इज नॉन एज द चेन सर्वे। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेन सर्वे, यानी चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो आपका होता है चेन, टेप, एरो, पेज, रैंगिंग रॉड, ऑफसेट एंड प्लम्ब बॉब, ओके। बारी बारी से इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है नंबर ए आपका चेन, चेन क्या है, चेन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लार्ज लिंग मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायमीटर, यानी जो चेन होते हैं वो चेन आपके किससे बने होते हैं, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जिसके वायर का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो आपका 4 mm होता है। एंड ऑफ दिस लिंक इज बेंड इनटू अ लूप और सर्कल, यानी जो आपका एंड होता है चेन का, वो आपका बेंड होता है किससे, लूप से और या फिर सर्कल से। लार्ज लिंक आर कनेक्टेड टू 3 small सर्कुलर लिंक एंड दिस कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइडेड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द चेन, यानी ये तीन रिंग से जुड़े होते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिससे हम मोड़ सकते हैं इसे आसानी से। और उसमें अगला पॉइंट ये है कि ब्रास हैंडल्स आर प्रोवाइडेड एट ईच एंड ऑफ द चेन एंड लिंक्स इज 20 cm, ओके। और यहाँ से आपका इसी के अंदर एक पॉइंट है मेटालिकलिटी, ओके। तो इसमें है कि मेटालिक टेल्स आर फिक्स्ड एट द वेरियस पॉइंट ऑफ द चैन इज डेट इज़ 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter एंड, यानी इसके बीच की जो डिस्टेंसेज होती हैं वो आपका जो चैन होता है वो आपका 5 meter का भी होता है, 10 meter का, 15, 20 meter का भी हो सकता है। तो ये आपका बेसिक चैन का जो डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ये गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना होता है, ये आपका ब्रास हैंडल हो गया, ये इसके बीच की दूरी आपका 20 meter है, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ चैन क्या है। तो फ्रेंड ये आपका टाइप ऑफ चैन है जिसमें आप चार प्रकार के टाइप को देख सकते हैं, मैट्रिक चैन, गंटर चैन, इंजीनियरिंग चैन एंड रेवेन्यू चैन। मैट्रिक चैन का जो लेंथ होता है वो आपका 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter होता है। और लिंक आपका देख सकते हैं इसमें 25 लिंक होते हैं, 50 लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं और 150 लिंक होते हैं, यानी 150 लिंक होते हैं। ईच लिंक कितना आपका होता है इसमें, मैट्रिक चैन में 20 cm और घंटर में आप देख सकते हैं लेंथ इसका होता है 66 feet और इसका लिंक होता है 100 लिंक एंड इसका ईच लिंक होता है 0.66 feet, ओके। एंड इंजीनियरिंग में आपका 100 feet होता है, लिंक आपका 100 लिंक होता है और यहाँ पे फिट 1 feet होता है। रेवेन्यू में आपका 33 feet होता है और यहाँ पे लिंक 16 लिंक होता है और यहाँ पे ईच लिंक आपका होता है 2.06 feet। उसके बाद है टैप, टैप क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड टैप, यानी टैप के थ्रू हम एक्यूरेट मेजरमेंट डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ टैप आप देख सकते हैं, क्लोथ टैप, मेटलिक टैप, स्टील टैप, इनवॉल्व टैप, ओके। सबसे पहला है आपका क्लोथ टैप, क्लोथ टैप क्या होता है, क्लोथ टैप आर मेड अप ऑफ क्लोथ, यानी ये क्लोथ के बना होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल लेंथ इन वाइड एंड द लेंथ ऑफ द क्लोथ टैप इज 10 meter, 30 meter, 10 से 30 meter के बीच में इसका क्या होता है लेंथ होता है एंड विर्थ आपका होता है आपका 12 mm से 215 mm, ओके। द क्लोथ टैप आर नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, यानी क्लोथ टैप का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता। एंड ऑफ द टैप इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल ब्रास रिंग, ओके। उसके बाद आपका है मेटालिक टैप, मेटालिक टैप में क्या होता है, क्लोथ टेप रेनफोर्स्ड विथ ब्रास और द कॉपर वायर इज कॉल्ड द मेटेलिक टैप, द लेंथ ऑफ द मेटेलिक टैप इज 10 mm, 10 meter,
15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर एंड विथ इज 12 mm टू 15 mm. ओके, एंड दीज टैप्स आर मेड एक्यूरेट दैन द क्लोथ टैप, यानी ये आपका क्या होता है, क्लोथ टैप से मोर एक्यूरेट होता है। उसके बाद आपका स्टील टैप, द स्टील टैप आर मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप, द लेंथ ऑफ द स्टील टैप इज 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter एंड 20 meter, 30 meter एंड 50 meter एंड विथ आपका 6 mm टू 10 mm के बीच में होता है। उसके बाद आपका है दीज टैप्स आर मोर एक्यूरेट दैन द मेटेलिक टैप। ओके, उसके बाद आपका है इन्वर्ट टैप, इन्वर्ट टैप आर मेड अप ऑफ स्टील, 60% स्टील इसमें होता है आपका, 64% और निकल आपका 36% होता है। द लेंथ ऑफ द इन्वर्ट टैप इज 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter, 100 meter एंड विर्थ आपका 6 millimeter होता है। एंड इन्वर्ट टैप आर मोर एक्यूरेट दैन द स्टील टैप एंड इन्वर्ट टैप आर यूज फॉर द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद है आपका एरो, एरो का डायमीटर आप देख सकते हैं क्या है, और इसका एंड ये आपका पॉइंटेड होता है या इसका लेंथ होता है 400 ± 5, यानी 400 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें पॉइंट देख सकते हैं कि एरो आर यूज टू मार्क द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द चैन ऑफ द ग्राउंड एंड दीज आर द मेड अप ऑफ स्टील वायर ऑफ 4 millimeter डायमीटर, द लेंथ ऑफ द एरो इज 400 ± 5 millimeter एंड एंड ऑफ द एरो इज बेंट इन द लो लूप और सर्किल एंड अदर एंड इज पॉइंटेड। ओके, इसके बाद आपका है पेजेस, पेजेस के बारे में हम देखते हैं। तो ये आपका पॉइंटेड हो गया, ये आपका स्क्वायर पार्ट उसमें कट होता है, इसका जो ये इसका लेंथ होता है वो आपका 25 mm होता है और इसका आपका 150 mm होता है। मार्क द पोजीशन ऑफ द सर्वे स्टेशन और द एंड ऑफ द सर्वे ऑफ द लाइन। ओके, इसका यूज़ इसमें हम लोग करते हैं। एंड लेंथ ऑफ द पेजेस इज 150 mm एंड द लेंथ ऑफ द ड्राइविंग इन टू द ग्राउंड बाई हैमर, यानी हैमर के थ्रू इसके मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है, इसको हलाया जाता है, यानी इसको अंदर किया जाता है। रैंगिंग रॉड आप देख सकते हैं, रैंगिंग रॉड का ये बेसिक सा डायग्राम है, जिसका लेंथ आपका 2 meter से 3 meter होता है, इसका व्यास 3 centimeter होता है, 20 centimeter ईच इसमें बारी बारी से जितने भी डिस्टेंस होते हैं 20 centimeter पे लगे होते हैं। और यहाँ पे एक रेड बैंड होता है, वाइट बैंड होता है या फिर ब्लैक बैंड भी होता है, और ये आपका आयरन स्टो होता है, आयरन शू। तो वही चीज़ लिखा गया है इसको पॉइंट के थ्रू कि रैंगिंग रॉड आर यूज टू फिक्स द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द सर्फेस लाइन एंड रैंगिंग रॉड आर मेड अप ऑफ वेल सेंसनिंग टिम्बर विथ एन आयरन शू एट द बॉटम एंड द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3 centimeter, द लेंथ इज 2 meter एंड 3 meter एंड द रैंगिंग रॉड पॉइंटेड विथ रेड वाइट और ब्लैक एंड पॉइंट लेंथ आप देख सकते हैं 20 centimeter है। ये आपका ऑफस्टेट रॉड का ये बेसिक सा डायग्राम हो गया, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, एग्जामिनेशन में डायग्राम भी आपको बनाना होगा। एंड द लेंथ ऑफ द ऑफस्टेट रॉड इज 3 meter एंड 5 meter, दे आर जनरली यूज फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ 3 centimeter। ओके, और फ्रेंड इसी के साथ ये आपका फाइनली जो है प्लम्बम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आप देखे होंगे प्लम्बम के बारे में, जो रस्सी इसमें बंधी होती है लट्टू के आकार का ये होता है, जिसमें ये आपका मेटल बॉब होता है और ये आपका नायलन का वायर होता है। एंड प्लम्बम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच टू टॉप ऑफ द मेटल बॉब एंड इट इज़ यूज फॉर सेंटरिंग द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद आपका चेन करेक्शन होता है, जिसके थ्रू ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू L1/L इंटू मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, यहाँ पे L1 आपका L+E हो जाएगा, अगर चेन क्या हो टू लॉन्ग कहे तो L+E हम लोग करेंगे, या फिर अगर आपका टू शॉर्ट कहे तो L-E कहेंगे। E आपका एलोगेशन है, जो कि आपका एरर आप इसे कह सकते हैं, और L आपका लेंथ ऑफ चेन है, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा 20 meter या फिर 30 meter। यहाँ से अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं TL=L1/L, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन वॉज मेजर्ड विथ 20 meter चेन एंड इट वर्क्स आउट टू बी द 580 meter आफ्टर द मेजरिंग ऑफ द लेंथ इट वॉज फाउंड टू बी चैन वॉज 0.06 meter टू लॉन्ग, वट इज द ट्रू लेंथ। तो जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं वो आप लोग लिख देंगे, मेजर लेंथ आपको दिया हुआ है 580 एंड ई आपका दिया हुआ है जो आपका 0.06 है, तो ट्रू लेंथ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर टू लॉन्ग की बात कर रहा है तो L1=L+E हो जाएगा, तो L का वैल्यू दिया हुआ है 20 और E का वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे और सिंपल सा फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा। ओके, और फ्रेंड ये सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर काफ़ी बेसिक तरीके से है, काफ़ी आप इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बारी कैलकुलेशन है नहीं। और उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत करे, तो इसमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक 20 मीटर का चैन है, आर फाउंड टू बी द 0.15 meter टू लॉन्ग आफ्टर चैनिंग 1000 meter, इट वॉज फाउंड टू बी द 0.20 meter टू लॉन्ग आफ्टर द चैनिंग 2500 meter, इफ़ द चैन वॉज करेक्ट बिफोर द
बिफोर द एंड ऑफ द वर्क फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पार्ट वन की अगर हम बात करें तो लेंथ आपका हो जाएगा 20 मीटर और ml हो जाएगा 100,000 मीटर, जो आपका देख सकते हैं शुरुआत इसका कहाँ से हो रहा है, 0 से 0.015 हो रहा है। तो इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे E इज इक्वल टू, यानी इन दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.075 आ जाएगा। और यहाँ से TL का वैल्यू का आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा टू लॉन्ग कर रहा है तो आपका ये प्लस हो जाएगा L में, यानी 20 प्लस 0.075 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 into 1000। तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा। पार्ट टू की अगर हम बात करें तो पार्ट टू के लिए L का वैल्यू 20 होगा, ml का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका जो दिया हुआ है 2500 में से 1000 आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ml का वैल्यू निकल जाएगा और E का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।